गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय सेल्फ विवेक प्रजापति एंड टुडे टॉपिक आई एम गोइंग टू कवर इज योर लीगल ड्यू डिलिजेंस। सो व्हाट इज लीगल ड्यू डिलिजेंस एंड हाउ इट इज यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, वी आर गोइंग टू सी दैट। सो लीगल ड्यू डिलिजेंस क्या होता है? लीगल ड्यू डिलिजेंस इट इज अ स्क्रूटनी ऑफ ऑल स्पेसिफिक पार्ट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। जनरली क्या होता है लीगल ड्यू डिलिजेंस, कब लगता है हम लोग तो पढ़ेंगे, तो इसमें बेसिकली हम लोग क्या कवर करने वाले हैं कि लीगल डिलिजेंस क्या होता है और कौन कौन सा केसेस है, व्हाट आर द डिफरेंट एरिया वेयर लीगल ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड। ओके, कहाँ कहाँ पर लीगल ड्यू डिलिजेंस लगता है और क्यों लगता है, ठीक है, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या, व्हाट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस। देन स्कोप ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस, व्हाट आर द डिफरेंट स्कोप ऑफ लीगल डिलिजेंस। लीगल ड्यू डिलिजेंस कौन सा एरिया और कौन सा लॉ को कवर करता है। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी द व्हाट इज द लीगल ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस, हम लोग लीगल ड्यू डिलिजेंस कैसे करेंगे। एंड जनरल डॉक्यूमेंट्स टू बी सी, जब लीगल ड्यू डिलिजेंस जब करते हैं तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट को हम लोग देखेंगे, एग्जामिन करेंगे, सो वो सब के हम लोग देखेंगे। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिटेल ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस। देन व्हाट इज द पॉसिबल हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है लीगल ड्यू डिलिजेंस जब करने जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसको कैसे हम लोग ओवरकम करेंगे। एंड लास्ट इज वन, व्हाट इज आवर सी एस रेस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी सेक्रेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू द लीगल ड्यू डिलिजेंस। सो ये जो ड्यू डिलिजेंस चैप्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमको हम लोग को हमेशा पढ़ना चाहिए और सही तरह से जानना चाहिए। तो लीगल ड्यू डिलिजेंस इज अ आर्ट ऑफ मैनेजिंग द रिस्क अंडर मेजर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है लीगल ड्यू डिलिजेंस, एक आर्ट है। क्या चीज का आर्ट है? इट इज लीगल, इट इज अ आर्ट ऑफ मैनेजिंग द रिस्क, इट इज अ आर्ट ऑफ मैनेज द रिस्क। और सेकेंड जो पहले मैंने आपको बताया था, लीगल ड्यू डिलिजेंस इज ए स्क्रूटनी ऑफ ऑल एस्पेक्ट ऑफ लीगल अफेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज ऑफ ड्यू डिलिजेंस। मतलब क्या होता है, अभी तो जो रिसेंट सिनेरियो में क्या चल रहा है, देयर इज टू वे ऑफ ग्रोइंग ऑफ द कंपनी। एक कंपनी जो ग्रो होता है दो मेथड्स है, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ क्या होता है, कंपनी अपना प्रॉफिट जितना अर्न करती है उसी से वो अपना ग्रोथ करती है। फिर पहला डिवीजन खोला, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, या पहला यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, उसे होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। वेयर इज इनऑर्गेनिक ग्रोथ में क्या होता है कि कंपनी टोटल जो होता है वो डिफरेंट कंपनी को मर्जर एक्विजिशन होते रहता है, दे आर टेकिंग मर्जर एक्विजिशन। मतलब एक कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदता है, दूसरा कंपनी उसे खरीदते करते, जैसे टाटा बहुत कोरस को एक्वायर किया, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बहुत एग्जाम्पल है, वोडाफोन का है और बहुत सारे अदर एग्जाम्पल है जिससे कि हम लोग मर्जर एक्विजिशन होता है। तो मर्जर एक्विजिशन जो है कि अभी का जो है बहुत रिसेंट सिनेरियो है, जैसे आर्सेनल एंड मित्तल, ठीक है, बहुत सारी अदर कंपनी जो है वो लोग मर्जर एक्विजिशन करते रहते हैं। सो लीगल ड्यू डिलिजेंस कब क्यों चाहिए, अगर कोई मर्जर एक्विजिशन होता है तो जो पार्टी दूसरा कंपनी को खरीदना चाह रहा है, एक कंपनी समझ एक कंपनी है बी कंपनी को टेक ओवर करने जा रहा है, तो एक कंपनी क्या है लीगल ड्यू डिलिजेंस बी कंपनी करता है कि उसका वेदर देयर इज सम लीगल केसेस है कि नहीं है, कंपनी इसका वैल्यूएशन क्या है, कितना है उसका वैल्यू में उसको खरीदना चाहिए, क्या क्या उसका फ्यूचर प्रॉब्लम्स है, ये सब बहुत सारे लीगल ड्यू डिलिजेंस वो कराते हैं। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस इज एक्सरसाइज में वेरी फ्रॉम द केसेस टू केसेस। लीगल ड्यू डिलिजेंस जो करते हैं ये डिपेंड ऑन द केसेस टू केसेस, और क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक करेंगे हम लोग, मैं तो बता ही दिया। सो लीगल ड्यू डिलिजेंस कवर्स वेरियस लॉ,
जो लीगल ड्यू डिलीजेंस है बहुत सारे लॉ को ये कवर करता है, ठीक है। तो हम लोग इसका डिटेल में जाएंगे, वो कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स ये सब, ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी इज अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल, सीएस इज द कंपनी सेक्रेटरी जो है एक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल है जो कि आपका लीगल ड्यू डिलीजेंस करने के लिए, ही इज द पर्सन हु इज कॉम्पिटेंट पर्सन टू डू द लीगल ड्यू डिलीजेंस। देन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस, व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस, क्या ऑब्जेक्टिव है लीगल ड्यू डिलीजेंस का। सो फर्स्ट इज गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे मैं मर्जर एक्विजिशन होता है तो पहले क्या स्टेप है, गैदरिंग द इंफॉर्मेशन, आपको डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा किसका, जो कंपनी का आप एक्वायर करने जा रहे हैं, ऑफ टारगेट कंपनी। देन कवरिंग द रिस्क ऑफ द टारगेट थ्रू द शॉर्ट एनालिसिस, आपको कंपनी का शॉर्ट एनालिसिस करना पड़ेगा। व्हाट इज शॉर्ट, SWAT, स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, अदर गुड कंपनी है तो व्हाट इज देयर स्ट्रेंथ, ठीक है। देन व्हाट इज देयर वीकनेस, क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है, एंड व्हाट इज द थ्रेड्स, फ्यूचर में क्या क्या उसका थ्रेड, व्हाट इज देयर अपॉर्चुनिटीज, क्या क्या इसका फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है। सो दीज आर द स्वॉट एनालिसिस यू हैव टू डू। देन इम्प्रूव द बार्गेनिंग पोजिशन, इट हेल्प फॉर द बार्गेनिंग पोजिशन, आप जो कितना प्राइस में उसको खरीदने जा रहे हैं तो इसको ये आपको हेल्प करता है। देन इज योर असेसिंग द रिस्क एंड लाइबिलिटी ऑफ द कॉस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, आपका जो ट्रांजेक्शन होने वाला है, व्हाट इज द रिस्क एंड लाइबिलिटी, अगर एक कंपनी खरीदने जा रहे हैं वो ऑलरेडी उसके वहाँ पर एक केस फेल फाइल है, पेंडिंग है, उसमें जो है कि आप एक सब 10 10 लाख में एक कंपनी खरीद रहे हो, ठीक है, बट उसका जो लीगल केसेस है वो आपको सपोज 30 लाख 40 लाख का है, तो वो कंपनी को आप लेना चाहोगे क्या। तो बिफोर दैट यू परचेजिंग दैट कंपनी यू हैव टू डू द लीगल ड्यू डिलीजेंस, व्हाट इज द रिस्क, वो कंपनी में क्या क्या रिस्क एसोसिएट है, गवर्नमेंट। देन हो गया मैपिंग द कॉम्प्लायंस ऑफ द टारगेट कंपनी एंड एक्चुअल स्टेटस, एक्चुअली जो आपको बताए हैं और आप जब लीगल ड्यू डिलीजेंस करते हो वो दोनों में क्या अंतर है। सो दिस अब ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस। सो मैं बहुत बढ़िया एक चार्ट बनाया हूँ, यू कैन फॉलो दिस चार्ट व्हिच इज हेल्प यू टू अंडरस्टैंड लीगल ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस। सी गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेप वन, स्टेप टू इज स्वॉट एनालिसिस, स्टेप थ्री इम्प्रूविंग द बार्गेनिंग पोजिशन, फोर्थ इज योर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, फिफ्थ इज असेसिंग द रिस्क एंड लाइबिलिटी, एंड सिक्स्थ इज योर कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट। सो दिस आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस। द स्कोप ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस, लीगल ड्यू डिलीजेंस का क्या स्कोप है। स्कोप ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस, सो लीगल ड्यू डिलीजेंस क्या है, फर्स्ट रेगुलेटरी कंप्लायंस। देखिए बहुत सारे रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं, जैसे हो गया IRDA, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं उनको रेगुलेट करता है। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी, जो कि सिक्योरिटी मार्केट को कंट्रोल करता है, जो भी ब्रोकर्स हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, और सबको कौन कंट्रोल करता है, सेबी कंट्रोल करता है, ठीक है। एम्प्लॉई एक्ट, बहुत सारे एम्प्लॉई EPF जो है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, तो उसका जो अलग अलग अथॉरिटी है, दैट दीज आर कॉल्ड रेगुलेटरी अथॉरिटी। देन कॉन्ट्रेक्चुअल कंप्लायंस, देखिए
कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्प्लेंस क्या होता है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, मतलब कंपनी कैन सू एंड कैन बी सूड बाय द अदर पर्सन। सो कोई भी कंपनी में कोई आदमी जब ज्वाइन करता है या कोई भी कंपनी जब एम्प्लॉयमेंट होता है, कोई कंपनी में कोई ज्वाइन करता है तो एम्प्लॉयमेंट का एग्रीमेंट होता है, एम आई राइट? कोई कंपनी जो है कि दूसरा पर्सन से या कंपनी से सामान खरीदता है, डेटर्स है या क्रेडिटर्स है, उधार में सामान खरीदता है या बेचता है, सो उसके साथ भी एक एग्रीमेंट होता है। सो दीज आर कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मेड बिटवीन द कंपनी विद द आउटसाइडर सच एज सप्लायर्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉई, ये सब होता है कॉन्ट्रेक्चुअल कॉम्प्लायंस। देन इज व्हाट योर इज नेक्स्ट इज योर फाइनेंशियल कॉम्प्लायंस अंडर इंटर कॉर्पोरेट एस्पेक्ट, जैसे हो गया कॉम्प्लायंस ऑफ वेरियस डॉक्यूमेंट, जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कंपनी पॉलिसीज हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट, ये हो गया आपका कॉम्प्लायंस अंडर इंटर कॉर्पोरेट एस्पेक्ट, मैंने विद इन द कंपनी में जो भी रूल रेगुलेशन बनता है, जैसे हम लोग क्या कि CSR पॉलिसी होता है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी का क्या पॉलिसी कंपनी का है, ठीक है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, कि ऑब्जेक्ट क्लॉज रहेगा, क्या रहेगा आर्टिकल, कितना ऑथराइज कैपिटल रहेगा, सो डिटेल जो होता है, दिस इज द नोन एज कॉम्प्लायंस अंडर द इंटर कॉर्पोरेट एस्पेक्ट। देन फिनेंशियल एस्पेक्ट, कि व्हाट आर द फिनेंशियल एस्पेक्ट हो गए, इट्स इंक्लूड थ्रू रिगार्डिंग द बैलेंस शीट आइडेंटिफिकेशन, फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, पेनल्टी पेड और वेरियस लॉ इन द पास्ट। डिटेल एनालिसिस बैलेंस शीट में व्हाट आर द एसेट्स, क्या क्या एसेट्स है उसमें, फिक्स एसेट कितना है, इंटेंजिबल एसेट क्या है, टेंजिबल एसेट कितना है, करंट एसेट कितना है, एंड व्हाट इज द लाइबिलिटी, व्हाट द आउटसाइड लाइबिलिटी कितना है, शेयर कैपिटल कितना है, क्रेडिटर्स कितना है, आउटस्टैंडिंग लोन एडवांसेस कितना है, और कितना आपका जो है थर्ड पार्टी जो पेमेंट करना है, लीगल जो है केसेस है तो उसको कितना कंटिजेंट लाइबिलिटी आपका कितना है, सो दीज आर द कवर ऑन द फिनेंशियल एस्पेक्ट। देन नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट क्या होता है, सच एज गुडविल ऑफ द कंपनी, अगर कोई कंपनी दूसरा कंपनी को खरीदने जाएगा तो कंपनी का गुडविल क्या है, रेपुटेशन क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर विजय माल्या का केस लीजिएगा, कोई कंपनी को खरीदने जाएगा क्या, जनरली नहीं, क्यों, क्योंकि उसका रेपुटेशन बहुत खराब है। सो गुडविल ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी इन द मार्केट, अगर कोई आदमी को उधार देना भी चाहेंगे आप तो किसको देंगे, उसको जो आपको रिपेमेंट करे टाइमली, अगर दोज पर्सन हु आर टेकिंग द मनी फ्रॉम यू एंड नॉट पेइंग द इन टाइमली, सो नेचुरली इन द नेक्स्ट टाइम यू आर नॉट गोइंग टू पे दैट पर्सन, सो दैट इज कॉल्ड अवर फिनेंशियल, दैट इज कॉल्ड नॉन फिनेंशियल एस्पेक्ट। देन सिक्स इज कल्चरल एस्पेक्ट, क्या होता है जनरली हर एक आदमी और हर एक जगह का कल्चर अलग अलग होता है, व्हाट यू कॉल दैट इज योर सोसाइटी, जैसे हो गया हम लोग इंडिया जैसे है बहुत वर्सेटाइल है, हम लोग इसको बोलते हैं कि इट इज़ द कल्चर कंट्री, मतलब ईस्ट में जाइए इंडिया के अंदर, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में पूरा कल्चर अलग है, उन लोग का ड्रेस अलग अलग है। सिमिलरली जब मर्जर एक्विजिशन होता है तो एक कंट्री और दूसरा कंट्री में अगर कोई कंपनी मर्जर होता है और एक्विजिशन करते हैं तो उन लोग का जो है कि कल्चर को देखना पड़ता है, ठीक है, वेस्टर्न कल्चर अलग है, ईस्टर्न कल्चर अलग है, सो दैट हैव टू बी कंसिडर्ड। देन बिहेवियर ऑफ द पर्सन, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्कोप ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस। सो आई हैव मेड द चार्ट, प्लीज गो थ्रू इट, दिस इज द स्कोप ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस। सो दिस इज ऑल अबाउट द लीगल ड्यू डिलिजेंस, सो लेट अस विल ब्रश अप स्कोप ऑफ लीगल ड्यू डिलिजेंस, रेगुलेटरी कंप्लायंस सेबी, इनकम टैक्स एक्ट, एम्प्लॉई एक्ट, देन कॉम्प्लायंस सच एज सप्लायर्स, कस्टमर्स, एम्प्लॉई,
then complies under corporate MCA, or you can say that is memorandum of association. Then non-financial, just goodwill or brand image of the company. Then cultural aspect is cross-border or merger acquisition. So what are the different act which are covered under the before that you need to see what are the cases where merger acquisition is required, need of merger acquisition, what are the legal due diligence is required in following cases. जैसे हो गया merger and acquisitions, एक company दूसरे company को जब merge होता है या take over करता है. Then corporate restructure, ये इंटरनल हो सकता है और एक्सटर्नल हो सकता है, ठीक है, आपका डेब्ट इक्विटी रेशियो चेंज हो रहा है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो रहा है. देन आईपीओ एंड एफपीओ, आईपीओ क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, द कंपनी लिस्टिंग होने जाता है सो इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, सो इक्विटी कंपनी इशू किया या बोनस शेयर इशू किया, सो इन दैट केस ऑल्सो लीगल ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड. और बायबैक ऑफ शेयर्स, then private equity, nothing but the issue of share to a particular group of persons. ये जो है कि आपको जो companies act में पूरा detail में और SEBI में जाएंगे तो detail में cover है. So you can see my another videos for regarding this IPO and equity. Then general compliance requirement. Then commercial agreement, जैसे commercial agreement मैंने आपको बताया supplier, creditors और employee. लिवरेज बायआउट, आपको वैल्यूएशन में एक सेपरेट लिवर बायआउट चैप्टर है. क्या लिवर बायआउट क्या होता है, एक जो है कंपनी दूसरे कंपनी को जब एक्वायर करता है वो लोन लेके करता है, बैंक से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता है और खरीदता है, और जितना भी प्रॉफिट ग्रो होता है और मिलता है वो कंपनी से, उसको डेब्ट चुकाने में वो क्या करता है, हेल्प करता है. सो दैट इज व्हाट कॉल्ड लिवरेज बायआउट, borrowing the money for purchasing the company and paying the debt from that new company. Then joint venture, two or more company comes together for particular venture for particular period. So these are the cases where legal due diligence is required. So main ek badhiya chart banaya hu, you can go through the chart. This is the legal due, need of legal due diligence, merger acquisition, corporate restructure, corporate governance. Corporate governance क्या होता है, corporate governance होता है obey the rule regulation, transparency, fairness, responsibility and your authorities. एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक चैप्टर्स है पूरा सीएस में हम लोग का, दैट इज व्हाट कॉल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मींस ऑबे द रूल एंड रेगुलेशंस. फोर्थ इज आईपीओ एंड एफपीओ, प्राइवेट इक्विटी. सिक्स्थ इज जनरल कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट, जो भी लेटेस्ट लॉ रूल रेगुलेशंस है उसको कंप्लाई करना. कमर्शियल एग्रीमेंट जो हो गया आपको थर्ड पार्टी जैसे सप्लायर्स क्रेडिटर्स के साथ एम्प्लॉय. देन लेबर बायआउट, नाइन्थ इज योर टोटल जॉइंट वेंचर. सो दीज आर द केसेस वेयर लीगल ड्यू डिलिजेंस इज रिक्वायर्ड. स्कोप मैंने पढ़ा दिया. नेक्स्ट इज योर कंपनीज एक्ट, सो ये जो प्रोविजंस है कौन कौन सा एक्ट एप्लीकेबल होता है, जैसे हो गया कंपनीज एक्ट में क्या क्या प्रोविजन है जो एप्लीकेबल होता है लीगल डिलीजेंस जिसका करना पड़ता है. जनरली ये ब्रीफली मैंने लिखा हूं, कंप्लायंस ऑफ वेरियस आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन आरटीपी जो बोलते हैं, जो भी कंपनी थर्ड
दूसरे पर्सन को अगर डील करता है, अगर वो रिलेटेड पार्टी है, डायरेक्टर और एम्प्लॉई है और कोई भी, बहुत रिलेटेड पार्टी का पूरा डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में। सो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जो होता है इट शुड बी आर्क लेंथ। देन अपॉइंटमेंट और रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उसका अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या होता है, ऑडिट कमिटी क्या होता है, सो उसका पूरा प्रोसेस लीगल है। देन कॉन्टैक्ट विद द डायरेक्टर, कॉन्टैक्टर अगर कोई कॉन्टैक्ट होता है डायरेक्टर के साथ, लोन टू द डायरेक्टर, बोरोइंग ऑफ द कंपनी, मैटर डिस्क्लोज इन द प्रोस्पेक्टस, फिक्स डिपोजिट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, देन स्टेचुरी रजिस्टर्स और मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स, अदर रिलेवेंट रिटर्न्स, ये सब है कंपनीज एक्ट में, इसको आपको लीगल ड्यू डिलिजेंस करना पड़ता है। अंदर अदर एक्ट क्या है, स्टेचुटरी टैक्स असेसमेंट, टैक्स लाइबिलिटी कितना है, कितना कंपनी पीएफ दे रहा है, कितना इनकम टैक्स पेमेंट कर रहा है, ऑल द डिटेल। देन पेंडिंग नोटिस ऑफ द डिमांड, अगर कोई कंपनी का जो है डिमांड नोटिस है टैक्स में, सो उसको कंप्लायंस करना है, दिखना है, चेक करना है। देन इम्पैक्ट ऑफ द बिजनेस एग्रीमेंट ऑफ द पोटेंशियल टैक्स डिमांड, अगर जो डिमांड है वो करोड़ का डिमांड है, आप एक कंपनी को सपोज फॉर एग्जाम्पल 10 लाख में खरीदने जा रहे हो, सॉरी 10 लाख में खरीदने जा रहे हो, बट उसका जो है डिमांड नोटिस जो है 20 लाख है या 15 लाख है, तो कंपनी को आप खरीदने जाओगे नेचुरली नहीं। सो यू नीड टू वेरीफाई द डिमांड नोटिस व्हिच इज रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द डिफरेंट टैक्स अथॉरिटीज और बॉडीज। एस्पेक्ट ऑफ डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन मतलब टैक्स ऑन टैक्स। देन अंडर द अदर बिजनेस लॉ सच एज रेगुलेशन फ्रॉम वेरियस अथॉरिटीज ऑफ नॉन ऑफ रिस्क कंप्लायंस अंडर पॉल्यूशन एक्ट, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR, देन फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, अगर कंपनी दूसरा कंपनी के साथ ट्रांजेक्शन करता है, सो जनरली RBI एक्ट जो होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एप्लीकेबल हो जाता है। कितना पैसा आप लाएंगे, कितना पेमेंट करेंगे, कितना दिन में पेमेंट करना है, सो डिटेल उसका चेक करना है। सो दीज आर द अबाउट। देन व्हाट इज द लीगल ड्यू डिलीजेंस प्रोसेस, लीगल ड्यू डिलीजेंस का क्या प्रोसेस है, तो ये बढ़िया सा चार्ट मैंने बनाया है कि आप लीगल ड्यू डिलीजेंस कैसे करोगे, व्हाट आर द डिफरेंट प्रोसेस। पहले हो गया एंटरिंग द मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन, ठीक है। पहले तो क्या होता है, आप जैसे एक कंपनी का ऑडिट करने जाते हो, आपने ऑडिट तो किया होगा बॉस कंपनी में, अगर नहीं किया तो आप सुने भी होंगे। तो जस्ट लाइक ऑडिट क्या होता है, लीगल ड्यू डिलीजेंस भी एक तरह से एक ड्यू डिलीजेंस होता है, जिससे क्या होता है कैसे आप करोगे। पहले नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है, जो पार्टीज है जिसका लीगल ड्यू डिलीजेंस करोगे और इसके बीच में जो लीगल ड्यू डिलीजेंस करता है, जैसे कंपनी सेक्रेटरी हो गया, चार्टर्ड फंड हो गया, ये लॉयर हो गए, सो वो क्या कहते हैं, एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट होता है कि आपका जितना भी एग्रीमेंट होता है कि आपका कोई भी सीक्रेसी डाटा हम लोग बाहर नहीं देंगे और नहीं डिस्क्लोज करेंगे। सो लीगल ड्यू डिलीजेंस में एंटरिंग इन द मेमोरेंडम आर्टिकल, आप जो है कंपनी का मेमोरेंडम आर्टिकल और लीगल डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करेंगे। सेकेंड हो गया डिटरमिन द स्कोप ऑफ द लीगल ड्यू डिलीजेंस, आपका लीगल ड्यू डिलीजेंस का क्या क्या स्कोप है, कौन कौन सा एस्पेक्ट को आप कवर करेंगे, व्हाट आर द रूल लॉ को आप कवर करेंगे। देन कैलकुलेट द टाइम फ्रेम, कब तक लीगल ड्यू डिलीजेंस करना है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 15 दिन, सो व्हाट इज द टाइम फ्रेम यू हैव टू कंप्लीट द लीगल ड्यू डिलीजेंस। देन ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनरी एंड चेकलिस्ट, यू हैव टू नो व्हाट आर द डिटेल क्वेश्चनरी टू बी आस्क, क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंटरेक्ट, देन ऑब्टेन द रिकॉर्ड एंड डाटा रूम, जो भी आप डाटा लीगल रूम के क्या करेंगे, आप एक डाटा रूम बनाएंगे, एक आपको ऑफिस चाहिए जहां पर कि आप अपना डाटा रखेंगे, कलेक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन।
then interface with the KMP, key manager person. You have to interact with the key manager person, top management जो होते हैं उनके साथ interact करना है. The interface with the authorities, जो भी है middle level हो गया, जहाँ से आपको information मिलेगा, उन लोग के साथ क्या है आपको interaction करना है. Then check the regulatory and contractual compliance, जो भी rule regulations है, जो compliance होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं, उसको आप क्या आप चेक करते हैं. देन एनालिसिस एंड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जो भी आपका फाइनेंशियल, जैसे बैलेंस शीट चेक करना, कैश फ्लो चेक करना है, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट चेक करना है, ऑडिटर रिपोर्ट्स, ऑल दिस फाइनेंशियल एक्सपर्ट उसको चेक करना है, क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटी है. नॉन फाइनेंशियल एक्सपर्ट जैसे गुडविल ऑफ द कंपनी, व्हाट इज द रेपुटेशन ऑफ द कंपनीज, व्हाट इज द CSR, व्हाट इज द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, कंपनी वेदर दे आर गोइंग फॉर द CSR एक्टिविटीज नो. सो ऑल दी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एक्टिविटीज को आपको चेक करना पड़ेगा. देन कोलैबोरेट विद द फाइनेंशियल कलेक्शन विद फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस एंड लाइबिलिटी, मैंने इसको आपको कवर कर दिया. देन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द मेटेरियल इशूज, अगर आपको कोई ऐसे फैक्ट मिला तो उसको आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, कोई फ्रॉड का आपको चांसेस है कंपनी में, इसीलिए मैं भी मर्जर हो सकता है या उसको बेचना चाहता है, ठीक है. अदर प्रोमोटर, जैसे सत्तम केस हुआ, ठीक है, सहारा केस हुआ, प्रोमोटर, देर आर सम केसेस वेयर दे प्रोमोटर आर इन्वॉल्व इन द कंपनी, सो इफ देर एनी चांसेस ऑफ फ्रॉड यू हैव टू इन्वेस्टिगेट द मेटेरियल इशू. देन ड्राफ्ट अ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट, आपको स्केलेटन बनाना पड़ेगा, उसके बाद प्रिलिमिनरी जो है रिपोर्ट बनाएंगे. देन डिस्कस विद द मैनेजमेंट, आप जो रिपोर्ट बनाए ड्यू डिलीजेंस का वो मैनेजमेंट के साथ आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. और उसके बाद हो गया फाइनलाइज द रिपोर्ट, जो भी रिपोर्ट आपको फाइनल करना है, जो भी मैनेजमेंट का रिप्लाई है, उसके बाद आप रिपोर्ट को फाइनल करेंगे. एंड डिटरमाइन द स्ट्रेटेजी, और उसको फीडबैक देना है, उसको चेक करना है. सो दीज आर द सम चार्ट आई हैव प्रिपेयर. सो दीज आर द स्टेप्स और प्रोसेस ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस, आप इसको दे सकते हैं, प्रोसेस ऑफ लीगल ड्यू डिलीजेंस. वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन 12, 13, 14 एंड 15. दीज आर द टोटल 15 पॉइंट्स. आपको 15 पॉइंट्स जो है याद करना पड़ेगा. उसका बहुत सिंपल ट्रिक है भी. आई एम गोइंग टू शेयर विद द ट्रिक ऑल्सो. ये जो है आपका स्टेप्स है. Entering the memorandum article, memorandum understanding between the transaction, ठीक है, determine the scope of legal duties, calculation of the time frame, drafting the various questionnaire and check, assess the record, regular authority, analyze the financial and non-financial material issue, ठीक है. So these are the some legal process. The general document to be verified in legal due diligence. What are the document? कौन कौन सा आप document को verify करेंगे? So पहला हो गया memorandum, article association of the company, financial aspect मैंने बता दिया, IAP जो आपको बोले intellectual property rights, research development, then HR aspect. कोई भी ऐसे legal cases है जो employee का grievances होगा, court में cases pending होगा, so उसका HR aspect, then जो cross culture जो होता है उसको देखना पड़ता है, हर एक कंपनी का जो है, और दूसरा कंपनी जब मर्ज होता है तो क्रॉस कल्चर जो होता है, क्योंकि हर एक आदमी अलग होता है, सोच अलग होता है. एनवायरमेंटल एस्पेक्ट, जो कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन और पब्लिक लाइबिलिटी, ये जो भी है लीगल एनवायरमेंटल एस्पेक्ट को आपको
देखना पड़ेगा वेदर कंपनी इज गोइंग फॉर द सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट जो होता है कि नहीं। जैसे माइनिंग होता है तो उन लोगों को क्या होता है, माइनिंग करने के बाद क्या होता है उन लोग को कि माइंस में जो है कि उन लोग को फील करना पड़ता है। सो दैट हैज टू बी लुक आफ्टर एनवायरमेंटल एस्पेक्ट द मेटेरियल एस्पेक्ट इफ एनी देयर इज एनी मेजर इशूज जस्ट लाइक फ्रॉड काइंड ऑफ थिंग अदर रिलेवेंट एस्पेक्ट। सो दीज आर द सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू बी कवर अप फॉर लीगल ड्यू डिलीजेंस। ये मैंने चार्ट बनाया तो आप इसको देख सकते हो। जस्ट चेक डाउन देन जैसे ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट में आप क्या चेक करोगे, मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट, स्टैट्यूटरी रजिस्टर, रिटर्न, कॉर्पोरेट अफेयर्स, सच रिपोर्ट। एक सेपरेट चैप्टर है सच रिपोर्ट का, रजिस्ट्रेशन कंपनी जो रजिस्ट्रेशन किया, फाइनेंशियल एस्पेक्ट में जो हो गया लास्ट फाइव ईयर बैलेंस शीट, ऑडिटर क्वालिफिकेशन अगर कुछ दिया, कोई ऑडिट ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसको देखेंगे आप, देन बजट कैपिटल बजट क्या है, व्हाट आर द कैपिटल बजट, क्या क्या सामान खरीदा कंपनी, कैपिटल इन नेचर, देन डिटेल ऑफ द फिक्स एसेट, क्या क्या फिक्स एसेट है, स्ट्रेटेजी प्लान, इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, कॉमर्स कंटिजेंसी, अकाउंटिंग पॉलिसीज, डेप्ट पेमेंट रेशियो, वर्किंग कैपिटल ब्रेकअप, कितना आपका वर्किंग कैपिटल है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज वर्किंग कैपिटल, ये हो गया फाइनेंशियल एस्पेक्ट। देन आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और रिसर्च डेवलपमेंट, शेड्यूल ऑफ ट्रेडमार्क, कंपनी का अगर ट्रेडमार्क है तो क्या क्या ट्रेडमार्क है लिया हुआ है, कॉपीराइट्स है, डिटेल ऑफ इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्रेडमार्क, इंडिया में कितना रजिस्टर है और अब्रॉड में जो कितना रजिस्टर है, पेंडिंग पेटेंट एप्लीकेशन, अगर कोई पेटेंट फाइल किया है तो उसको जैसे जनरली ये 3 साल लगता है, सो दैट हैज टू बी डिटेल चेकड आउट। कंसल्टेंसी एग्रीमेंट, जो भी एग्रीमेंट है, लाइसेंस है, लीज है, ये सबको आपको चेक करना पड़ेगा। कोई भी क्लेम है तो ह्यूमन एस्पेक्ट में जैसे हो गया आपका लेबर इशू, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय कौन है, उन लोग का पोजीशन क्या है, हु आर द की मैनेजर पर्संस, डेट बायोडाटा क्या है, एम्प्लॉय लेजिस्लेशन, देन हेरेसमेंट अगर कोई रिपोर्ट है तो एम्प्लॉय हेरेसमेंट, whether whistle mechanism is there, no, cross culture issues, cross border transaction, then environmental aspect में हो गया environmental audit हुआ है कि नहीं, safety audit हुआ है कि नहीं, hazardous substance है तो जो hazardous substance rule है वो follow हुआ है कि नहीं है, जो environmental audit है separate chapter है environmental audit का, आप वो मेरे video भी आप देख सकते हैं जो कि मैंने अपलोड कर चुका हूं आपको। सो एनवायरमेंटल ऑडिट के सेपरेट के चैप्टर है, कैसे एनवायरमेंटल ऑडिट करेंगे, क्या क्या रूल रेगुलेशन कवर होता है, ठीक है, आईएसओ स्टैंडर्ड क्या बोलता है, सो डिटेल। सो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट में और क्या हो गया, कंटिजेंट लायबिलिटी अगर है, कोई केसेस पेंडिंग है, देन मेटेरियल कॉन्ट्रैक्ट जैसे हो गया आपका सब्सिडरी और पार्टनरशिप है एग्रीमेंट या जॉइंट वेंचर है तो उसका कॉपी, उसको चेक करना है क्या ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं, अगर ये रिलेटेड पार्टी है तो उसका ट्रांजैक्शन कैसे हुआ है, व्हाट प्राइस दे है सोल्ड और परचेज द गुड्स, लोन एग्रीमेंट, जो भी अगर डायरेक्टर को लोन दिया होगा या कोई थर्ड पर्सन कंपनी से लिया लोन लिया होगा, वो स्क्रूटनी ऑफ एग्रीमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, सेल डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट,
कोई अगर एजेंसी लिया होगा या कोई डीलर को दिया होगा तो व्हाट आर द डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट, द नॉन डिस्क्लोजर एंड नॉन कॉम्पिटेंट एग्रीमेंट। जैसे आप लीगल ड्यू डिलीजेंस करता है तो एक है जो जो पर्सन से लीगल ड्यू डिलीजेंस होता है उसके साथ और कंपनी का एक एग्रीमेंट होता है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट। अदर एक्सपर्ट हो गया कॉपी और गवर्नमेंट लाइसेंस। गवर्नमेंट जो होता है कंपनी जब प्रोडक्शन करता है तो गवर्नमेंट को, जैसे कंपनी जैसे माइनिंग कंपनी है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको CTO, ठीक है, CTO जो होता है कंसेंट टू ऑपरेट। जैसे हो गया लाइसेंस कितना प्रोडक्शन आप करेंगे, जैसे आपका पेट्रोल है तो पेट्रोल का भी या डीजल है तो उसके ट्रेड लाइसेंस जो होता है। देन कंपनी परचेज पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसीज, लार्ज कस्टमर्स कौन कौन कस्टमर्स हैं, उन लोग के साथ कोई ग्रीवांसेस है कि नहीं है, उन लोग को प्रॉपरली टाइम डिलीवरी जो है प्रोडक्ट डिलीवरी टाइमली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एज पर द स्टैंडर्ड जो आप बोले हैं उसको डिलीवरी हो रहा है कि कंपनी किया है कि नहीं किया है, उसका आपको चेक करना पड़ेगा। सो दीज आर द सम ऑफ द केसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल जो है कि ये प्रोसेस है कैसे आप चेक करेंगे। डॉक्यूमेंट टू बी चेक, जनरल डॉक्यूमेंट टू बी कवर्ड अप इन लीगल ड्यू डिलीजेंस, ऑर्गेनाइजेशन मेमोरेंडम, ठीक है। देन व्हाट आर द पॉसिबल हर्डल्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है आप लीगल ड्यू डिलीजेंस जब करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आता है और उसको कैसे आप ओवरकम करिएगा। सो देन क्या होता है, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। आप जब लीगल ड्यू डिलीजेंस करने जाते हैं तो आपको क्या होता है, इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा तो आप कैसे लीगल ड्यू डिलीजेंस करेंगे। आप मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन मांगेंगे, कंपनी देगा नहीं आपको, सो विल यू एबल टू डू द ड्यू डिलीजेंस, नो, ऑब्वियसली नो। सो आपको वो है नॉन अवेलेबिलिटी इंफॉर्मेशन। देन अनविलिंगनेस टू द टारगेट कंपनी पर्सन प्रोवाइडिंग द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आपको इंफॉर्मेशन आधा अधूरा मिला, जो मिला आधा अधूरा, बैलेंस शीट दिया तो कैश फ्लो नहीं दिया, कैश फ्लो दिया तो प्रॉफिट लॉस ले नहीं दिया, ठीक है। कोई भी लीगल केसेस है तो 10 पेंडिंग केसेस है उसमें से आपको 3 ही दिया, इनकम्प्लीट, इट इज टोटली यूजलेस। सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। देन अनविलिंगनेस ऑफ प्रोवाइडिंग द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, इनकम्प्लीट और इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन, आपको गलत इंफॉर्मेशन दे दिया। देन हो गया कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसी, अगर कंपनी का जो है या ऑर्गेनाइजेशन ऐसे है जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एक कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसी है, जैसे पहले जैसे था इंडिया में यू टॉक अबाउट द पहले एक्साइज रूल था, सेल टैक्स रूल था, हाँ कस्टम रूल था, अब सब हटा के क्या आएगा, GST, वन नेशन वन लॉ। अगर टैक्स पॉलिसी कॉम्प्लेक्स है तो इट ऑल्सो बी वन ऑफ द प्रॉब्लम और हर्डल्स। मल्टीपल रेगुलेशंस, बहुत सारे रेगुलेशन है, जैसे IBC जब आया इंडियन बैंक्रप्सी कोड, क्या होता है जब इंडियन बैंक्रप्सी कोड होता है इट इज ए मैंने बहुत ही बढ़िया चीज़ आई है, क्योंकि 180 डेज में आपको जो क्या है कोई कंपनी लिक्विडेट होता है तो हो जाता है और टोटल प्रोसेस खत्म हो जाता है। सो मल्टीपल रेगुलेशंस है। देन प्रोसेस इन प्रोवाइडिंग डाटा, जो कि मल्टीपल लेयर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सो इन दैट केस ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट द डाटा और हर्डल्स, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। देन हो गया अब्सेंस ऑफ MIS सिस्टम ही नहीं है। MIS क्या, मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम। देखिए हर एक कंपनी का क्या होता है, डेली प्रोडक्शन होता है, डेली सेल्स होता है, ठीक है, अगर यह सर्विस रेंडर भी होता है तो क्या होता है, अगर डेली का डेली प्रोडक्शन रिकॉर्ड हो, डेली का डेली सेल्स रिकॉर्ड हो और जितना भी आपका अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन डेली बेसिस में हो तो क्या होगा, इट इज ईजियर। तो उसको क्या होता है MIS, मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम और इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होता है, 3 लेवल होते हैं, लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल।
टॉप लेवल का जो है कि इतना टाइम नहीं रहता है कि दे कैन गो फॉर द डिटेल ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो MIS हेल्प करता है उसको कि जो एवरेज होता है, जो कंसाइज रिपोर्ट होता है, वो उनके पास जाता है। सो दीज आर द सम ऑफ द हर्डल्स इन लीगल ड्यू डिलिजेंस। सो हम लोग ये पढ़ते हैं, जैसे हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। इट मे बी अकरेंस व्हेन द पर्सन कैरी आउट द ड्यू डिलिजेंस द इंफॉर्मेशन मे नॉट बी अवेलेबल सफिशियंट डिराइव ऑफ द फ्यूचर। अनविलिंगनेस टू द टारगेट कंपनी, ये हो गया नॉन कोऑपरेशन ऑफ द टारगेट कंपनी पर्सनल फॉर प्रोवाइड द मेजर डाटा इज द मेजर हर्डल्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द हर्डल्स। देन हाउ टू कवर अप द हर्डल्स, देखिए मैंने एक बढ़िया सा डायग्राम बनाया है, यू गो थ्रू इट। हर्डल्स इन लीगल ड्यू डिलिजेंस, फर्स्ट हो गया नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, अनविलिंगनेस टू प्रोवाइड द कंप्लीट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इज इनकरेक्ट, कॉम्प्लेक्स टैक्स पॉलिसी, मल्टीपल रेगुलेशंस, प्रोसेस प्रोवाइडिंग द डाटा, देन योर एब्सेंट ऑफ MIS। सो एट पॉइंट आप अगर पॉइंट का नंबर याद रख लेंगे ना, एग्जाम में क्या होता है, पॉइंट्स में मार्क मिलता है, जो पूछा जाता है अगर सही से आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। सो ट्राई टू कंप्लीट द सब्जेक्ट एंड राइट डाउन द ईच एंड एवरी पॉइंट्स। देन व्हाट इज द एक्शन टू बी टेकन फॉर रिमूव द हर्डल्स, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं आपको ड्यू डिलीजेंस करने में, लीगल ड्यू डिलीजेंस करने में, तो आप कैसे उसको अवॉइड करेंगे और हाउ यू कैन डू दैट एक्शन टू ब्रेक द हर्डल्स। Break the hurdles, क्या होगा, focus of the questions, आपका जो क्वेश्चनरी प्रिपेयर किए होंगे, जो मैंने आपको स्टेप्स में बताया था, उसको क्या फोकस करना है, व्हाट द आपका क्वेश्चन क्या है, आपका आंसर क्या चाहिए, सो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट यू आर रिक्वायर्ड, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ये नहीं कि पूरा इंफॉर्मेशन गैदर कर लिया, ठीक है। देन आस्क द सेवरल पीपल सेम क्वेश्चन, अगर एक आदमी को बार बार सेम क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सही आंसर देगा, पहले एक बार वो आपको गलत दे सकता है, बट दो बार तीन बार जब पूछेंगे तो करेक्ट आंसर मिलेगा। देन पोलाइट, बी पोलाइट, आप बहुत नम्र हो जाना है, पोलाइट। देन इंडिपेंडेंट चेक रेगुलर अथॉरिटी, आपको इंडिविजुअल चेक करना पड़ेगा, आप नहीं कि उनको भरोसा करेंगे, ठीक है। सो दीज आर द सम ऑफ द एक्शंस टू बी टेकन फॉर रिमूव द ब्रेक, क्या हर्डल। और जैसे ये तो हो गया आपका फॉर्मली जो बुक्स में है, और भी जैसे अदर मेथड होता है, जैसे हो गया कंपनी क्या करता है, जैसे ऑडिट करने के टाइम में आप सीनियर अथॉरिटी से बात कर सकते हैं, अगर लोअर लेवल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो हाई लेवल में बोलेंगे, तो जनरली वो लोग डाटा प्रोवाइड कर देते हैं। So these are the basic topic I have covered up on legal due diligence. So my dear friends, thank you very much for patience hearing for this chapter, legal due diligence. Thank you very much.